हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी नए हैं वो तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस वीडियो में हम यूनिलर्न ऐप का मॉड्यूल 13 भी आपको बताने वाले हैं, 13 का भाग भी। तो वीडियो को अंत तक देखें एवं शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम 13B मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपका। आपके पास यहाँ पर टू डू एक्टिविटी लिखा होगा और ये ग्रीन नहीं होगा। यहाँ पे इंटर का ऑप्शन आएगा, इंटर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ आपसे बोलेगा ये डाउनलोड करने के लिए, इस पर ओके कर देंगे। तो यहाँ से 100% तक आपको वेट करना है, डाउनलोडिंग जब तक होगा। नेट अच्छा चलेगा तभी आपका हो पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको 100% होने तक का वेट करना है। तो कुछ इस तरीके से मॉड्यूल की शुरुआत होगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मॉड्यूल जो है आरंभ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मॉड्यूल जो है टोटल 11 पेजेस का है। यहाँ से आपको दिखेगा 11 पेजेस में दिख रहे होंगे और ये पहला पेज है। तो वीडियो आपको फुल वॉच करनी है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी जानकारियाँ रहती है जो आपको बहुत मदद करेंगी अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के लिए। वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, यहाँ क्लिक करके नीचे जो एरो है। फिर यहाँ से ये दूसरा पेज आरंभ होता है। इसको भी वीडियो पूरी देखने के बाद नेक्स्ट वाली एरो पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से ये तीसरा पेज आरंभ होता है, पूरी वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट वाली एरो पे क्लिक करके और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से चौथा पेज मॉड्यूल का आरंभ होता है, पूरी वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट वाली एरो पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ से ये पाँचवा पेज स्टार्ट होता है, पूरी वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट वाले पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ से ये छठवा पेज है, इसको भी देखने के बाद पूरा नेक्स्ट वाली एरो पे क्लिक करके और नेक्स्ट कर देना है। बहुत ही आसान है। अब यहाँ से सातवें पे पूरी देखने के बाद नेक्स्ट वाली एरो पे क्लिक करके और नेक्स्ट कर देना है। मैं आपको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप पूरा बताती हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आठवां पेज है, इसको भी देखने के बाद और नेक्स्ट वाले एरो पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अब देखें यहाँ पे ये नवे पेज, इस मॉड्यूल में नवे पेज पे यहाँ पे प्रश्न आ रहा है। प्रश्न क्या है मैं आपको बताती हूँ। प्रश्न है मूल्यांकन कार्ड को भरने के लिए सही तरीकों पर निशान लगाइए। तो मूल्यांकन कार्ड कैसे भरेंगे, सही तरीका क्या है, इस पर निशान लगाना है। एक से ज़्यादा विकल्प सही हो सकते हैं, तो इसका सही उत्तर डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। कुछ दिनों तक प्रतिदिन बच्चे का अवलोकन करें और फिर मूल्यांकन कार्ड भरें। और बच्चों ने कोई संकल्पना या कौशल अर्जित कर लिया है या नहीं, यह निष्कर्ष निकालने से पहले बच्चे का 3 से 4 बार अवलोकन करें। टिक करके प्रेषित करें पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे है प्रेषित करें, इस पर क्लिक कर देंगे सही जवाब। अब यहाँ पे अगला का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से दूसरा प्रश्न आएगा। बच्चे के पोर्टफोलियो में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। बच्चे के पोर्टफोलियो में क्या शामिल होगा? बच्चे द्वारा बनाई गई ड्राइंग, वितरांत रिकॉर्ड या बच्चे द्वारा पूरी की गई वर्कशीट या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी पर टिक करके और प्रेषित करें पे क्लिक कर देंगे सही जवाब। अब देखिए यहाँ पे अगला का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से ये 10वां पेज आता है, ये इसको भी पूरा देखने के बाद नीचे वाली एरो से नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे ये 11वां पेज, ये लास्ट पेज आता है जिसमें आपको ये बता रहा है कि आपने इस मॉड्यूल को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है, अब आप अगला मॉड्यूल आरंभ कर सकते हैं। जब यहाँ तक आपने ये वीडियो पूरी देख ली उसके बाद जाके आपको यहाँ ऊपर वाली एरो से बैक करना है। ऊपर वाली एरो से बैक करने के बाद आप फिर से वही वाले पेज पे, इंटर वाले पेज पे पहुंच जाएंगे और वहां पे ये लोडिंग होके पता है क्या आएगा, स्टार्ट अ न्यू अटेम्प्ट लिखा होगा, उसके आगे एक बॉक्स बना होगा, उस पर टिक करके और एंटर कर देंगे। तो आपका जो है टू डू एक्टिविटी जो लिखा होगा वो ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से भी बैक कर देंगे और अगला मॉड्यूल आपका खुल जाएगा। तो आप अगले मॉड्यूल पे क्लिक करके जो है उसको भी ऐसे ही पूर्ण कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।